नेपाल है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, नाइजीरिया है और लगभग 200 देशों में कंपनी ने अपने पैर को फैला दिया है। जीवन बदलने के लिए लगभग 200 कंट्रीज में अपनी एंट्री को शामिल कर दिया है। किसके थ्रू? क्योंकि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर, 30 लाख इस कंपनी के शेयर होल्डर, फ्री में आपको मालिक बना दिए। आप गर्व भी महसूस नहीं कर पाते, चंद लोगों को छोड़ के मैं देखता हूं कि गर्व ही महसूस नहीं करते। आखिर में फ्री में आप कंपनी के शेयर होल्डर बने हुए हैं, आपको गर्व करना है। ऐसी कंपनी के ऊपर, ऐसे अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। दोस्तों, इस विजन को और इस मिशन को हमारी और आपकी ये ड्यूटी बनती है कि कंपनी तो अपना काम कर रही है लेकिन हम अपनी पहुंच के मुताबिक, अपने सर्कल के मुताबिक, अपने रिश्तेदारों के मुताबिक, अपने जान पहचान के मुताबिक घर घर तक इस मिशन को पहुंचा दें, इस विजन को पहुंचा दें कि जाला चाइल्ड सही में क्या करना चाहता है, क्या करने की कुव्वत रखता है। दोस्तों, आपकी कामयाबी में सिर्फ एक ही चीज काम करेगी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीज की, लाइफस्टाइल के विजन को बताने की, जा लाइफस्टाइल के मिशन को बताने की, जा लाइफस्टाइल के प्लान को बताने की, जा लाइफस्टाइल के रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है उसे बताने की लगातार प्रैक्टिस है, किस तरीके से पर्सनल वेरिफिकेशन होती है, किस तरीके से ईहा में रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी की क्या क्या अपग्रेड है, न्यूज लेटर के माध्यम से कंपनी हर बार आपको बताती है, सचेत करती है, जानकारी देती है, हम कितनी ले पा रहे हैं। दोस्तों, जितनी जानकारी हम लेंगे और उतनी जानकारी को अपने पर लागू करेंगे, लोगों पर उस चीज को बताएंगे, आपकी बात का उनके ऊपर प्रभाव होगा, तो फिर क्या होगा, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपकी बात को बहुत ही गहराई से सुना जाएगा, आपकी बात पर अमल होगा। कि चूंकि आप कंपनी की बात पर अमल कर रहे हैं और जब आप कंपनी की बात पर अमल कर रहे हैं तो दूसरे भी आपकी बात पर अमल करेंगे। ये ध्यान रखिए, अगर आप चाहें कि मैं अमल ना करूं और मेरे लोग अमल करें, पॉसिबल नहीं। आपको खुद अपने पर लागू करना होगा और उसके बाद आप जब दूसरों को बताएंगे तो आपकी बात का प्रभाव होगा और आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी बात मानी भी जाएगी। दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा नहीं ले जाऊंगा लेकिन इतना बात जरूर मैं करूंगा कि आप अपनी प्रैक्टिस को, कामयाबी के लिए अपनी प्रैक्टिस को लगातार अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहें।